3, 2, 1, go. Okay. Good evening, friends. Friends, welcome and welcome to your channel. The name of our channel is Growing Wealth with Us. You are requested to subscribe, like, and share the video if you feel that our content is worthy. And you can subscribe it, you can like it, you can share it if you feel so. Okay. So today we are going to discuss about how we should not select the stock. उल्टा लगता है सुनने में, ऐसे बोलते हैं कि कैसे हमें स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, और आज हम बोलेंगे कि कैसे हमें स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा चार्ट इंक का है, जिसमें हमने अपने स्क्रीनर्स कुछ बना रखे हैं। आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो मैं लगाता हूँ वो लगाता हूँ माई फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न हम सब लोग अवेयर हैं, इसमें एक पोल होता है एंड देन उसके बाद एक फ्लैग बनता है। तो आपने देखा कि हमारा माई फ्लैग पैटर्न में हमने जो लगाए हुए हैं कुछ पैरामीटर्स, उसके आधार पे कोई भी स्टॉक फिल्टर नहीं हुआ है। और हम हमेशा जो भी स्टॉक लगाते हैं उसकी क्लोजिंग प्राइस 499 से ऊपर, 500 से ऊपर के स्टॉक हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उतनी वोलेटिलिटी आपको नहीं दिखेगी। ये मेरा ओपिनियन है और हो सकता है आपकी थ्योरी इससे अलग हो। तो माई फ्लैग पैटर्न में नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक चाणक्य बियरिश स्कैनर, इसको मैंने थोड़ा सा एडिशन किया था, ये ऑलरेडी था, ये फ्यूचर है। और हम एक और चीज़ है कि हम हमेशा कैश के जो स्टॉक हैं उनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनमें भी आपको वोलेटिलिटी कंपेरेटिवली कम मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने इसको रन किया और ये आप देखेंगे तो ये हमारे पास 4-5 स्टॉक आ गए हैं। यहाँ भी अगेन 500 से ऊपर, यहाँ हमने वो लगाया नहीं है, आप चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं। ये आप लगाएंगे यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ नंबर और 499। सो 499 से ऊपर के जो है वो सारे स्टॉक फिल्टर हो जाएंगे। ये आपके दो स्टॉक। अब हम इसमें जाते हैं और डिटेल में कि हमें कैसे नहीं सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है नहीं, कैसे नहीं सेलेक्ट करना है। ये आ गया टाइटन। सब टाइटन में सबसे पहली चीज जो हमें देखनी चाहिए वो हमें देखना चाहिए ट्रेंड कैसा चल रहा है। यहां से अपन लगाते हैं, ये देखिए ये है, अगर तो आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड अप है। पहली चीज ये आती है कि ये ट्रेंड अप है। ठीक है, उसके बाद दूसरी हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये देखिए ये हो गया एक, और एक और देखेंगे ये हो गया दो। ठीक है, तो ऊपर लेवल पे जो हमें दिख रहा है सपोर्ट वो है, ये रेजिस्टेंस है 2600 का और ये है 2400 का, और अभी ये क्लोज हुआ है 2262 के आसपास। तो एक और लगा देते हैं अपन यहाँ पर, थोड़ा सा और ऊपर लगाना पड़ेगा अपने को। ये आ गया आपका लगभग 2300 के आसपास। तो अभी ये ना तो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास है, हालांकि ट्रेंड अप है, ट्रेंड के ऊपर है, और लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर अपन देखें तो अप है। और अगर इसको मैं शॉर्ट टर्म कर देता हूँ, अगर 6 महीने का करूँ मैं यहाँ पर, देखिए 6 महीने भी क्यों, 3 महीने का ही करते हैं ना। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड जो है इंडिसिसिव है, अगर आप इसको देखें तो इंडिसिसिव है, तो इंडिसिसिव में हमें जो है हाथ नहीं डालना है। ये आप देख रहे हैं इंडिसिसिव है, तो इस स्टॉक को हम फिलहाल सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड आता है नजारा टेक्नोलॉजी, इसको देखते हैं क्या स्थिति है। पहले 5 ईयर चार्ट लगाते हैं अपन, ये देखिए 5 ईयर चार्ट में भी यहाँ क्लियर है, ये ट्रेंड जो है वही साइडवेज है, पहले यहाँ गया यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो ये क्लियर का ट्रेंड नहीं है। यहाँ से हालांकि देखेंगे अक्टूबर 21 से लेकर के ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ इसका अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट था 1565 का, जिसको इसने आज तोड़ दिया है। वो 1565 टूटने वाली क्लोज हुआ है 1487 पे, तो बहुत ज्यादा स्कोप हमें नीचे की तरफ दिखता नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 1450 के आसपास जाएगा, तो उतना मूवमेंट नहीं है, तो इसको भी हमने स्किप किया, इस तरह से हमने इसको भी स्किप किया। ओके, उसके बाद अपन चलते हैं बुलिश नेक्स्ट डे पे। बुलिश नेक्स्ट डे पे अगर आप देखेंगे ये अगेन कोई भी स्टॉक फिल्टर नहीं हुआ है, तो हमारा ये भी काम खत्म हो गया। हमारा हमेशा कोशिश ये रहना चाहिए कि हम
बहुत ज्यादा से ज्यादा फिल्टर लगाए ताकि जो क्वालिफाई होगा वो ही आ गए। देखिए यहाँ पर भी हमने ये शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, कोई भी स्टॉक फिल्टर नहीं हुआ, यहाँ भी काम खत्म। और आप आते हैं लॉन्ग कंसोलिडेशन, ठीक है, लॉन्ग कंसोलिडेशन जो काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहे हैं, यहाँ पर भी अपन पहले वो लगा दें प्राइस का, ताकि अपने को फिल्टर होकर के कम ही मिलेंगे, कम मिल रहे हैं ये अपने को, 499 लगाया मैंने, ये रन स्कैन, ओके, ये मैंने इसको रन कर दिया। रन करने के बाद जो हमें मिल रहे हैं ये आप देखिए, ये हैं 12 स्टॉक, ठीक है। अब इन 12 स्टॉक में से भी हमें जो है देखना है, मेरा और फिल्टर जो मैं लगाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है उनको छोड़ दूँ, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस फ्यूचर ऑप्शन में फिलहाल छोड़ते हैं। अब आते हैं वेदांत फैशन, वेदांत फैशंस पे जब हम आए, 5 ईयर का चार्ट लगा, ये आपका जो है क्लियर कट है जिसको आप ले सकते हैं। बस और कुछ नहीं, हम बिल्कुल ये आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन से ये अभी नीचे आया है तो ये अप ट्रेंड वाला मामला खत्म है, डाउन ट्रेंड के लिए है। अब डाउन ट्रेंड में अगर हम देखेंगे तो ये एक चीज है, ये आप देखेंगे सपोर्ट वाला, यहाँ और देखिए एक बार, ये 1020 के आसपास इसका सपोर्ट दिखता है, लेकिन कोई भी क्लियर कट, यहाँ देखिए ये 1020, एक बार ये देखिए, ये वाली कैंडल देख रहे हैं, लो बनाया 1011 का लेकिन क्लोज हुआ 1031 का, ये बनाया 1035 का, तो 1020 से नीचे जब ये जाएगा तभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, और डाउन ट्रेंड भी उसको लेके जा सकता है, वो ले जा सकता है 950 के आसपास, आपके टारगेट देख पा रहे होंगे, ये आपको जो टारगेट यहाँ पर दिख रहा है ये 940 के आसपास का, जब 1020 तोड़ेगा तब, ठीक है। लेकिन 1020 पे अगर सपोर्ट लेगा तो रिवर्सल होगा, क्योंकि ये अभी ट्रेंड अपना साइडवेज है, साइडवेज ट्रेंड में अपन देखेंगे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, रिवर्सल ही होगा, वो जाएगा 1060 1050 के आसपास, इतने छोटे मूवमेंट के लिए अपन नहीं जाएंगे, तो अपन इसको फिल्टर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब इसको अपन माइक्रोटेक डेवलपर्स, ये 1029 का है, ये वही है, ट्रेंड साइडवेज है तो साइडवेज ट्रेंड में हम हाथ नहीं डालेंगे। मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज देखते हैं, काफी काफी नीचे गिरा है आज, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में आप ये देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें 1000 से नीचे ये टूटा है और इसने जो लो बनाया है वो है 920 का, तो ये 920 का लो आई थिंक आज बन गया, शायद बन गया, तो हमारे लिए कुछ इसमें बहुत ज्यादा बचा नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं अपन, जो मूवमेंट चाहिए ना, मूवमेंट तो ऑलरेडी हो चुका, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को देख लेते हैं, ये आप देखिए ये एक चार्ट जो है ये आप दिखा रहा है, यहाँ परफेक्ट है ये समझने के लिए अपने, ठीक है, ये देखिए 950 और 915, ये है 950 का लेवल दिखा रहा है, 950 के लेवल के ऊपर जाएगा, आज इसने क्या किया मूवमेंट, आज इसने मूवमेंट जो दिखाया है ये क्लोज हुआ है 915 के आसपास, ठीक है, जब ये 950 के ऊपर जाएगा तो हमें मूवमेंट कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1000 रुपये, 50 पॉइंट का मूवमेंट है, सो छोटा मूवमेंट है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, उसमें जो बड़ी तेजी बनेगी वो 1000 रुपये के ऊपर ही बनेगी, जो इसको 150 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकती है, ठीक है, फिलहाल इसको अपने को स्किप करना है, 1000 से ऊपर आएगा तब देखेंगे। सायंट लिमिटेड ये यहाँ पर इस जगह पे मिलता है तो बेस्ट है, ये जो है 811, यस ये आपका स्टॉक जो है जिसको अपन देख सकते हैं, ये आपका इसके ऊपर है तो अप ट्रेंड है और ये अभी यहीं आकर सपोर्ट ले रहा है, इसको अब अपन एक और जगह पे कंफर्म करेंगे, अपन चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है, वहां पर अपने को पता चलेगा, तरह से अपन देखते हैं, अपन दो जगह कंफर्म करते हैं, एक जगह भी नहीं दो जगह, ठीक है, जब वहां पर मुझे लगा कि हाँ भाई इसको देखा जा सकता है तो अपन अब ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं,
800 रुपए का लेवल जो मुझे दिख रहा है वो काफी मजबूत लेवल है, यहाँ पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए। और एक बार यहाँ कंफर्म कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में। हम यहाँ भी अवेलेबल हैं इसी नाम से, चार्ट लगाते हैं अपन सायंट का, सायंट लिमिटेड। ये देखिए, ये यहाँ पर बिल्कुल ब्यूटीफुल है, वीकली होराइजन है। और ये आप देखेंगे तो यहाँ देखिए बहुत क्लैरिटी आ गई ना, 815 का लेवल है जो हमें ध्यान रखना है, और जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 872 का मिलेगा। तो 50 पॉइंट का मूवमेंट है 815 के ऊपर, 872 लगभग 50-55 पॉइंट का मूवमेंट ये दिखा सकता है। इसमें जो अच्छी तेजी बनेगी वो बनेगी 960 के ऊपर, 960 के ऊपर ये जो जाएगा तो ये काफी ऊपर तक जा सकता है। ये हमारा कंफर्मेशन हुआ, इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार और देख लेते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है। ये डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा तो 872 नीचे आ रहा है, 815 वही 815, और ऊपर जो ये 872, 872 के बाद ये 1006 जो अलग अलग लेवल लगाए हुए हैं। फिलहाल ये क्लोज हुआ है 872 पे, ठीक है। तो 872 का लेवल जो है काफी क्रूशियल है, वो हमें ध्यान रखना है। 872 से ऊपर अगर ये जाएगा तो फर्स्ट टारगेट जो इसका पहला रेजिस्टेंस जो इसको दिखेगा, सीधे मुझे जो दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, 872 के ऊपर 940 रुपये, 70 पॉइंट का मूवमेंट जो है कार्ड्स पे है इसमें साइंट लिमिटेड में, 872 के ऊपर 940 पॉइंट का मूवमेंट है। तरह से इसको हमको सेलेक्ट करना है, हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की क्या स्थिति है। वीडियो थोड़ा लंबी हो रहा है, लंबा हो रहा है, लेकिन आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम सेलेक्ट करें और कैसे हम रिजेक्ट करें। यहाँ देखिए ये 835 के ऊपर जाएगा तभी अपन बात करेंगे, अभी तो ये डाउन ट्रेंड में है। 835 से नीचे जब तक है तो शॉर्ट में भी अगर अपन देखेंगे तो नीचे में ये जाकर जो अपने को लेवल मिलेगा वो 640 के आसपास का मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें खुली हुई है, बट स्टॉप लॉस काफी लंबा रहेगा, वो रहेगा 835 का, ठीक है। और नीचे मूवमेंट जो है 730 से लेके 640 का है, तो वही 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 80-90 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है। इरीस लाइफ साइंसेस पे चलते हैं, 5 ईयर चार्ट है, ये देखिए ये फिर वही, ये जो है बॉटम हो रहा है, यहाँ पर राउंडेड बॉटम बन करके हो रहा है। 825 से ऊपर जाएगा तभी ऊपर की जर्नी स्टार्ट होगी, अभी 670 पे है, काफी नीचे है। हालांकि एक और अगर अपन व्यू देना चाहें तो ये एक लेवल और है 685 का, 685 से नीचे जाएगा तो फर्दर डाउनफॉल स्टार्ट होगा, ठीक है। जो फर्दर डाउनफॉल में पहला टारगेट हमें दिखता है वो देखिएगा 604 रुपए का। तो हमें इसमें मुझे इतनी क्लियरिटी नहीं है, मैं छोड़ता हूँ इसको। बोरो रिन्यू वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त है, देखिए इसको देखिए जरा, और आगे टूटा भी है काफी, अब ट्रेंड है, ट्रेंड अप है, कोई डाउट नहीं। जो तेजी शुरू होगी वो शुरू होगी 730 के ऊपर, ये भी क्लियर है, अभी 648 पे है, ये जो लेवल है वो 640 का है। 40 के लेवल पे अगर सस्टेन कर दिया तो ठीक, नहीं तो नीचे में ये 563 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मुझे अगर ऊंचाई देखनी है, आप ट्रेंड देखना है, तो 740 के ऊपर मान लीजिए, ठीक है। तो इस स्टॉक पे भी मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं छोड़ता हूँ इसको। मैस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये देखिए आप, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एक रिवर्सल हो रहा है, तो क्लियरिटी नहीं है। हालांकि ये जो लेवल है आप देख सकते हैं 680 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर आप ऊपर की जर्नी चलेगी। इस स्टॉक को समहाउ अपन देख सकते हैं 680 से ऊपर अगर ये जाएगा तो पुराने लेवल्स तक जा सकता है, ठीक है। मैस फाइनेंशियल सर्विसेज,
ये स्टॉक हमारे इसमें क्वालिफाई तभी होगा जब ये 680 के ऊपर जाएगा। ग्रीन पैनल ये देख लेते हैं, ये स्टॉक बिल्कुल क्वालिफाइड है क्योंकि तो आप यहां लगाई। अब इसको जरा अपन अच्छे से एनालाइज करेंगे। ये देखिए ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी चीज ये है कि अपन एंट्री कहां लेंगे, इसके ऊपर 605 के ऊपर एंट्री लेंगे। 605 पर ही है और 605 के ऊपर अगर अपन जाएंगे तो जो मुझे इसमें इसको आप अपन ट्रेडिंग व्यू पे देंगे, ठीक है। ग्रीन पैनल, दोनों प्लेटफॉर्म काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग को ट्रेडिंग व्यू काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है। ये देखिए इसमें अगर यहां मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाऊं, यहां से ये देखिए ये ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारा क्वालिफाइड स्टॉक है जिस पे अब हम अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से आइए, इसको यहां से और पकड़ लेते हैं। तो ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में जो है सपोर्ट ले रहा है, इस पे सपोर्ट लेते जा रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा तब तक ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर मैं लगाऊं तो भी मुझे और क्लैरिटी मिल जाएगी। ये यहाँ दिख रहा है मुझे 538 का लेवल है। जब तक ये 538 को सस्टेन कर रहा है, ऊपर की जर्नी इसकी अनवरत चालू रहेगी और जो इसका मूवमेंट होगा वो 538 से यहाँ का हाई था 605, कोई 60-70 पॉइंट का मूवमेंट। तो 605 के ऊपर 70 पॉइंट का मूवमेंट इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 675 का आपको दिखा सकता है आज का, देखें 615 का, वही 50-60 पॉइंट का मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट एक्सेप्टेबल है। और ग्रीन पैनल जो है क्वालिफाइड हो रहा है कि जिस पर हम अपना व्यू दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड इसमें अप है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखा हमने, ट्रेंड लाइन भी देखी, ठीक है। मूविंग एवरेजेस भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वो क्लिष्ट हो जाएगा, इसलिए अपन उसको छोड़ देते हैं क्योंकि इससे भी काफी क्लैरिटी मिल जाती है। लास्ट स्टॉक है ईआईडी पेरी, ठीक है। ईआईडी पेरी में भी वही है, ट्रेंड लाइन अप है, स्टॉक ऊपर ही ऊपर जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो 527 का लेवल है जिससे ऊपर जब तक है ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। हालांकि अभी ये 512 पे क्लोज हुआ है, तो 527 या 530 का लेवल इसका रेजिस्टेंस है। जब ये उसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो ऊपर की जर्नी ये स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शेयर किया ही है, ये यहाँ से देखिए आप, ये देखिए ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अभी ये ट्रेंड लाइन से नीचे है, उससे ऊपर जाएगा तभी बात करेंगे। तो देखा आपने हमने कितने स्टॉक्स देखे। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो रिजेक्शन पहले करिएगा, कैसे हम रिजेक्ट करें, उससे क्या होगा कि आप हमेशा सही जगह पे पहुंचेंगे। दो स्टॉक हमारे क्वालिफाई हुए हैं, तो एक है ग्रीन पैनल, दूसरा है ईआईडी पेरी और तीसरा था सायंट। तो ये तीन स्टॉक जो है हमारे क्वालिफाई हुए हैं जिस पर हम अभी अपना डिटेल्ड व्यू थोड़ी देर में शेयर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू एलिमिनेट द स्टॉक रादर देन हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हाउ टू एलिमिनेट द स्टॉक विच कैन नॉट शो द सिग्निफिकेंट मूव, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव दैट वी शुड गो फॉर सिग्निफिकेंट मूव रादर देन petty moves, and whatever we have shared that is purely for educational purpose. We are not here to provide any kind of recommendation or tip. So, इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को विराम देता हूँ और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स करिए, अपने फीडबैक दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।